हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सिविल ज्ञान के इस चैनल पर। वीडियो लेट अपलोड करने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बिना देरी के शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन वाज एन एम्बैकमेंट वाज कंपैक्टेड एट ए मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 15%, यानी डब्ल्यू की वैल्यू जो दी है अपन को, मॉइस्चर कंटेंट यानी डब्ल्यू का वैल्यू 15% दिया है। परसेंट का साइन हटाएंगे तो 0.15। इट्स डेंसिटी वॉज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ कोर कटर। तो एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ से याद रखना है कि अभी भी अपन को डेंसिटी पूछे फील्ड मेथड में ज्ञात करने के लिए, तो वो किससे ज्ञात करते हैं? कोर कटर से। ठीक है, अपन को डेंसिटी वॉज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ कोर कटर एंड फॉलोइंग डाटा वॉज कलेक्टेड। कोर कटर मेथड से हमने क्या किया, डेंसिटी डिटरमाइन करनी है और जो कोर कटर से फॉलोइंग डाटा कलेक्ट किए गए हैं, जैसे एम्पटी वेट ऑफ कटर 1200 ग्राम, वेट ऑफ कटर व्हेन इट इज फुल ऑफ सोइल 3200 ग्राम। मतलब कटर का वेट 1200 ग्राम दे रखा है और सोइल से भरा हुआ कटर का वेट 3200। तो अपन को सोइल का वेट निकालना हो तो 3200 में से 1200 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, वो सोइल का वेट आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द कटर 1000 cc। कैलकुलेट द बल्क डेंसिटी एंड सैचुरेटेड परसेंटेज ऑफ द एम्बैकमेंट। पहले स्टेप में अपन को बल्क डेंसिटी और सैचुरेटेड परसेंटेज ऑफ एम्बैकमेंट, मतलब एस की वैल्यू और गामा की वैल्यू निकालनी है। दूसरे केस में क्या पूछा है, इफ एम्बैकमेंट बिकम्स फुल्ली सैचुरेटेड ड्यू टू रेन, मतलब यदि एस की वैल्यू अपन एक रख दें तो डिटरमाइन इट्स मॉइस्चर कंटेंट एंड सैचुरेटेड डेंसिटी। तो ज्ञात करना है हमको मॉइस्चर कंटेंट यानी डब्ल्यू की वैल्यू और सैचुरेट डेंसिटी मतलब गामा सैचुरेटेड। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ओवरऑल प्रोसेस बता देता हूँ, जो मेरा पहली वीडियो में आपने देखा होगा उसी प्रकार, फिर उसके बाद मैं उसके सॉल्यूशन पर जाऊँगा। तो अपने पास डाटा दिया हुआ है, अब अपन को सबसे पहले बल्क डेंसिटी और एस की वैल्यू यानी सैचुरेशन कंटेंट निकालना है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन खींच देता हूँ, एक लाइन। अब देखिए, पहले स्टेप में अपन को गामा निकालना है और एस निकालना है। तो गामा निकालने के लिए सबसे पहले गामा निकालने के लिए हमको यानी डेंसिटी निकालने के लिए, डेंसिटी बोल सकते हैं, रो लिख देता हूँ इधर, सॉरी मैं गामा की जगह रो लिख देता हूँ। तो बल्क डेंसिटी निकालनी है, ठीक है, बल्क डेंसिटी निकालनी है और डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकालना है। तो बल्क डेंसिटी कैसे निकलेगी, पहले तो अपन को वेट अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होती है, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। वेट किसका, सोइल का, वॉल्यूम किसका, जो कंटेनर होता है उसका। वॉल्यूम कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है। वेट कैसे निकालेंगे सोइल का, मैंने बताया था 3200 में से 1200 घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, वेट निकल जाएगा सोइल का। तो यहाँ से डेंसिटी आ जाएगी। डेंसिटी आ जाने के बाद फिर दूसरा स्टेप जो अपना रहेगा वो रहेगा ई की वैल्यू निकालना। अब भैया आप क्यों कह रहे हो ई की वैल्यू निकाल दी है? तो देखिए, ई की वैल्यू इसलिए निकालनी है क्योंकि अपन को निकालना है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, और डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकालने के लिए अपन को पता है सेहतमंद वही जो वेजिटेरियन है, ये वाला फॉर्मूला लगता है जिसमें जी की वैल्यू अपन को 2.7 दे रखी है क्वेश्चन में, डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है 0.15, एस की वैल्यू निकालनी है और ई की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ई की वैल्यू ज्ञात करेंगे, जब तक एस की वैल्यू ज्ञात होगी तो ई की वैल्यू जैसे ज्ञात हो जाएगी तो एस की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकल जाएगी। तो ई की वैल्यू कैसे निकालें, ई की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे गामा नहीं डेंसिटी लिख देता हूँ, रो बराबर जी गामा डब्लू 1+W अपौन 1+E। ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी जी की वैल्यू पता है, गामा डब्लू की वैल्यू पता है, डब्लू की वैल्यू पता है और रो की वैल्यू पता है। यहाँ से ई इधर चल जाएगा और रो इधर आ जाएगा, तो यहाँ से ई की वैल्यू निकल जाएगी। और ई की वैल्यू निकलते ही इस वाले फॉर्मूले में रख देना है,
और एस की वैल्यू निकल जाएगी। एस की वैल्यू निकलते ही अपना दोनों काम हो गया, डेंसिटी भी निकल गई और सेचुरेशन। लेकिन दूसरा अगला स्टेप में क्वेश्चन को और पूछा गया है, जब ही तो ये क्वेश्चन 15 नंबर का है, तो अगले स्टेप में क्या पूछा है उसकी भी प्रोसेस बता देता हूँ, फिर सॉल्यूशन पर चलते हैं। अगले स्टेप में पूछा है, अगले स्टेप में कहा है कि यदि एस की वैल्यू यदि अपन 1 रख दें तो डब्लू मॉइस्चर कंटेंट और कौन सा सैचुरेटेड डेंसिटी पूछी है अब की बार। तो डब्ल्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी, अपन को पता है सेहतमंद वही जो वेजिटेरियन है। यहाँ पर अब अपन को निकालना किसकी है, डब्ल्यू की वैल्यू। एस की वैल्यू 1 रखनी है, ई की वैल्यू अपन ने अभी निकाली थी, जी की वैल्यू 2.7 है, यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू निकल जाएगी। फिर डेंसिटी निकालनी है सेचुरेटेड, सेचुरेटेड डेंसिटी कैसे निकलेगी, सेचुरेटेड डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूँ अभी, रुकिए आपको। तो सेचुरेटेड डेंसिटी का फॉर्मूला देखिए, याद करना है आपको, गामा में यार या, गामा बार बार लिख देता हूँ सॉरी, उसके लिए यहाँ पे लिखना है रो डेंसिटी बराबर कौन सी, सेचुरेटेड। सेचुरेटेड डेंसिटी का फॉर्मूला होता है गामा डब्लू जी प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई। गामा डब्लू वैल्यू पता है, जी की वैल्यू पता है, एस 1 रखना है, जी 2.7, ई की वैल्यू रखनी है और गामा सेचुरेटेड की वैल्यू निकल जाएगी। यही सॉल्यूशन है, इसको मैं पूरा सॉल्यूशन एक बार ओवरऑल बता देता हूँ कैसे कैसे इसका स्टेप है। देखो वाटर कंटेंट कितना दे के रखा है, 0.15। वेट ऑफ इम्पिट कटर, कटर का वेट कितना दे रखा है, 1200 ग्राम। वेट ऑफ कटर फील्ड विद सोइल 3200 ग्राम, तो वेट ऑफ सोइल कैसे निकल जाएगा, वेट ऑफ सोइल 3200 माइनस 1200 2000 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ कटर 1000 दिया हुआ है। बल्क डेंसिटी वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट ऑफ सोइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोइल, वेट कितना निकाला अपने 2000, वॉल्यूम कितना है 1000, कितना आ गया 2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। जी की वैल्यू अपन को गिवन थी 2.7, तो 2.7 गिवन है, तो आगे चलिए फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे डेंसिटी के लिए। सॉरी अपन को ई की वैल्यू निकालनी है, तो ई की वैल्यू इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ई की वैल्यू निकालने के लिए अब इसमें क्या है कि एस की वैल्यू अपन को पता नहीं है, तो एस ई को किस में चेंज कर देंगे, क्योंकि सेहतमंद वही जो वेजिटेरियन है डब्लू जी, तो डब्लू जी में चेंज कर देंगे। एस ई की जगह डब्लू जी रखेंगे तो जी कॉमन ले लेंगे, जी कॉमन ले लेंगे तो जी गामा डब्लू, वही फॉर्मूला बन जाएगा जी गामा डब्लू 1 प्लस डब्लू अपॉन 1 प्लस ई, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, ये यही फॉर्मूला आगे प्रयोग करेंगे। देखिए 2 का मान रख दिया, किसका मान रखा है, डेंसिटी का मान रख दिया, जी का मान रख दिया कॉमन लेके ये रख दिया, और 1 और डब्लू का मान 0.15, 1 प्लस ई, ई की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 0.55, 0.5525। फिर अपन को मेन जो एस की वैल्यू निकालनी थी वो निकाल लेंगे सेहतमंद वही वेजिटेरियंस वाले फॉर्मूले से, और ये कितना आ जाएगा अपने पास 0.733, जिसको परसेंटेज हम बदलेंगे तो 73.3%। अगला क्वेश्चन में ये कहा है कि यदि एस की वैल्यू अपन 1 रख दें, एस की वैल्यू यदि अपन 1 रख दें तो डब्ल्यू का वैल्यू निकालिए, डब्ल्यू की वैल्यू उसी फॉर्मूले से निकल जाएगी सेहतमंद वेजिटेरियन वाले से, इसकी वैल्यू आएगी 0.2046, परसेंटेज हम बदलेंगे तो 20.46%। और डेंसिटी सेचुरेट डेंसिटी निकालनी है तो गामा डब्ल्यू जी प्लस एस अपन 1 प्लस ई के फॉर्मूले से निकालेंगे, जिसमें जी की वैल्यू 2.7 प्लस एस की वैल्यू 1 इंटू ई की वैल्यू 0.5525, और गामा डब्ल्यू की अपॉन 1 और अपॉन 1 प्लस ई की वैल्यू 0.5525 मान रख के यहाँ पर जो सेचुरेट डेंसिटी आएगी 2.095 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर समझ में नहीं आया हो तो दोबारा इसको रिपीट करिए, और मेरी रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को 2x पर देखें, जिससे आपको टाइम बच सेव हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल वे आर डिटरमाइंड बाय परफॉर्मिंग टेस्ट ऑन क्ले सैंपल नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट कितना दे रखा है, 25%, लिक्विड लिमिट 35%, प्लास्टिक लिमिट 24%, डायमीटर ऑफ 60% साइज, मतलब D60 की वैल्यू जो दे रखी है वो 0.006 mm दे रखी है,
और D10 की वैल्यू दे रखी है 0.006 mm। तो कैलकुलेट करना है अपन लिक्विडिटी कोफिशियंट, मतलब लिक्विड इंडेक्स, यूनिफॉर्मिलिटी कोफिशियंट और यूनिफॉर्मली कोफिशियंट मतलब CU की वैल्यू, और रिलेटिव कंसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंसी इंडेक्स। तो एक ओवरऑल बता देता हूँ क्या क्या निकालना है फॉर्मूला के थ्रू, और फॉर्मूला कैसे याद रखना है कभी भूले नहीं, जिससे एक तरीका बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले अपन को निकालना है CU की वैल्यू है यूनिफॉर्मली कोफिशिएंट, तो वो क्या होती है D60/D10। ठीक है, D60 की वैल्यू 0.0006 दे रखी है, ऐसे ही 0.006 दे रखी है, मतलब ये जीरो दो बार जीरो है या तीन बार देख लेंगे अभी दोबारा से, मैं एक बार वो बता रहा हूँ आपको ओवरऑल। और यहाँ से जो वैल्यू भी निकलेगी CU की, यदि CU की वैल्यू 4 से कम है तो वो पुअरली ग्रेडेड या यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होगा, यदि CU की वैल्यू 6 से ज़्यादा है तो वो वेल ग्रेडेड होगा। ठीक है, अब वैल्यू देख लेंगे, एक वैल्यू आएगी जो 4 से कम है यानी पुअरली ग्रेडेड होगा। इसके बाद नेक्स्ट पूछा है लिक्विड इंडेक्स और प्लास्टिसिटी इंडेक्स, उसके लिए बात कर लेते हैं। D60 और D10 का मतलब तो आपको पता ही होगा, आप पढ़ के आए हो, तो मैं इसलिए ज़्यादा देर नहीं बता रहा। अगर किसी को D60 और D10 में कन्फ्यूजन है क्या चीज़ होती है ये, ठीक है, तो मैं कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा एक अलग वीडियो से। तो लिक्विड इंडेक्स निकालना है अपन को, लिक्विड इंडेक्स का फॉर्मूला याद रखने का एक सिंपल तरीका है कि लिक्विड इंडेक्स पूछे तो लिक्विड नहीं आएगा, लिक्विड इंडेक्स पूछे तो लिक्विड नहीं आएगा, बस ये एक लाइन इम्पोर्टेंट है। और लिक्विड इंडेक्स और कंसिस्टेंट दोनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे, लिक्विड इंडेक्स नहीं आएगा। लिक्विड इंडेक्स जब बोलेंगे ना, जब भी लिक्विड इंडेक्स निकालना है तो फर्स्ट पॉइंट में लिक्विड नहीं आएगा, लिक्विड नहीं आएगा। जब कंसिस्टेंसी इंडेक्स बोलेंगे तो उसमें लिक्विड आएगा, जब भी लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड नहीं आएगा। तो ये फॉर्मूला है, जैसे लिक्विड इंडेक्स की बात करी है तो वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपॉन लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। आप क्या को लिक्विड लिमिट आ तो गया, देखो ऊपर की बात हुई है फर्स्ट फर्स्ट लाइन की, यहाँ पर लिक्विड नहीं आया है, वह या तो वाटर कंटेंट आया और प्लास्टिक लिमिट आई है। और नीचे तो IP का फॉर्मूला ही आप जानते हैं, प्लास्टिक इंडेक्स का WL माने WP। कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला देखिए, कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला देखिए, कंसिस्टेंसी इंडेक्स में मैंने बताया था लिक्विड अब कंसिस्टेंस में लिक्विड की बात नहीं की गई, तो यहाँ पर पहले आएगा क्या, लिक्विड लिक्विड लिमिट माइनस W अपॉन WL माने WP, परसेंटेज में निकालना तो इनटू 100, बस ये तीनों चीज़ें निकालनी है। तो अपन कर लेते हैं इसका डिस्कस। देखिए क्वेश्चन में दिया है नेचुरल वाटर कंटेंट 0.25, लिक्विड लिमिट 0.32, प्लास्टिक लिमिट दे रखी है 0.24, और D60 की वैल्यू दे रखी है 0.006 mm, और D10 की वैल्यू दे रखी है 0.006 mm। तो सबसे पहले यूनिफॉर्मली कोफिशियंट निकाल लेते हैं, यूनिफॉर्मली कोफिशियंट निकाल लेते हैं। देखिए यूनिफॉर्मली कोफिशियंट निकालेंगे CU की वैल्यू, तो D60/D10, इसकी वैल्यू 1 से कम, 1 से कम तो देखो ये लिख रखा है, CU की वैल्यू यदि 4 से कम है तो वो पुअरली ग्रेडेड या यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सोइल होगी, 4 से ज़्यादा है तो वह वेल ग्रेडेड। तो 4 से कम है तो ये कैसी सोइल होगी, यूनिफॉर्म सोइल या पुअरली ग्रेडेड सोइल। लिक्विड इंडेक्स निकालने हैं तो लिक्विड में लिक्विड नहीं आएगा, लिक्विड में लिक्विड नहीं आएगा तो पहले क्या आएगा, वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट W माने WP अपन WL माने WP इंटू 100, परसेंटेज में निकालने के लिए W की वैल्यू 0.25, WP की वैल्यू 0.24, WL की वैल्यू 0.32, WP की वैल्यू 0.24 इंटू 100 करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगी, 12.5%। कैलकुलेट कर लीजिए। इसके बाद कंसिस्टेंसी इंडेक्स निकालना है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स निकालने के लिए देखिए, कंसिस्टेंसी इंडेक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, अब कंसिस्टेंसी इंडेक्स में क्योंकि लिक्विड नहीं आया तो सबसे पहले लिक्विड की बात होगी तो WL आएगा पहले, WL माइनस W अपॉन WL माइनस WP इंटू 100, WL की वैल्यू 0.32, W की वैल्यू 0.25, WL की वैल्यू 0.32, WP की वैल्यू 0.24 इंटू 100, परसेंटेज में निकालेंगे तो 37.5% आएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो मुझे कमेंट कीजिए, और अब आपको शायद वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो अभी भी तो एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए, अब ठीक है तो आगे से वीडियो इसी प्रकार आएगी। थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ और मुझे मेरा हौसला बढ़ाइए, थोड़ा
थोड़ा सा कमेंट करके कि भाई क्लास कैसी लग रही है आपको, अच्छी लग रही है तो बताएं ज़रूर, ठीक है, जो भी लोग देख रहे हैं। और सोहेल में आपको पर्टिकुलर किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप मुझे वो भी कमेंट कर दीजिए, अगली क्लास उस पर आ जाएगी, नहीं तो फिर नेक्स्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट करने की सोचूंगा मैं फिर, है ना। थैंक यू।